तो हे गाइस, वेलकम टू केटीआई टेक। मेरा नाम है सूरज। आज मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर में क्रोमा की को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, काइन मास्टर में क्रोमा की को यूज करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने क्रोमा की को यूज करने के लिए काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। चलिए हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आप मीडिया में आ जाएंगे। दोस्तों, मीडिया ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली हम पहले अपना एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा आपका लेंथ होगा, आप उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद से सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना होगा। ध्यान रहे कि आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, ना कि मीडिया पे। तो यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में सिंपली आ जाना है। और मीडिया में आपको आने के बाद आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, मैं अपना एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लिया है सब्सक्राइब बटन का, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लिया है ग्रीन स्क्रीन पर। अब जितना आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अपना लेंथ सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ग्रीन स्क्रीन के वीडियो वाले के लेयर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्रोमा की आपके ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको आपको इनेबल करना है। सिंपली आपको इनेबल जो ही करेंगे, आपका ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगा और जो इसमें एनिमेशन है वो आपको शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन हट गया है और सिर्फ यहाँ पर आपका एनिमेशन दिख रहा है। अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको जितना मतलब अगर बीच में रखना है तो आप बीच में रखिए इसको, अगर नीचे रखना है तो आप नीचे रखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को यहाँ पर अच्छे तरह से एडजस्टमेंट कर दिया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको एडजस्ट करके दिखा दिया। अब हमें एक काम करना है, ये सब कुछ करने के बाद एक बार इसका हम रिव्यू कर लेते हैं कि ये कैसा दिखने में लग रहा है। तो चलिए, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ शुरू से लास्ट तक। देखिए, इतना अच्छा आपको दिख रहा है। ग्रीन स्क्रीन हट गया है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रिव्यू करने के बाद कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप यहाँ पर एड भी कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। आफ्टर डेट आपको सिंपली आपको सेव के आइकन पर क्लिक करना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, सेव के आइकन पर क्लिक करने के बाद अब आपको एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं आपको क्लिक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो ही आप एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करते हैं, आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग होना चालू हो जाते हैं। आई मीन, ये सेव होता है आपके गैलरी में। जब ये सेव हो जाएगा तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसको भी सेव होने देते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लाइक मतलब जितना आपका लेंथ होगा वीडियो का, जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं कि देखने में कैसा लगता है। तो चलिए, हम प्ले के आइकन पे क्लिक कर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है प्ले करना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, पूरी तरह से हट गया है। अब सिर्फ आपका यहाँ पर एनिमेशन दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।